प्लासेंटा की ही डेवलपमेंट है। ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव फॉर द टुडेज टॉपिक। नाउ द पार्ट्स ऑफ द प्लासेंटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लासेंटा। एज यू सी दैट दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द एम्ब्रियो इन विच माय एरो इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्लासेंटा। प्लासेंटा इज एन ऑर्गन दैट फेसिलिटेट द न्यूट्रिशन एंड गैसेज एक्सचेंज। मीन फीटस को ऑक्सीजन भी देगा, फीटस से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो मैटरनल ब्लड में चली जाएगी और मैटरनल से जो ऑक्सीजन होगी वो फीटस की तरफ आएगी और उसके बाद जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसको प्रोवाइड करता है। एज द फीटस बिगिंस द 9th वीक ऑफ द डेवलपमेंट इट डिमांड्स फॉर न्यूट्रिशनल एंड अदर फैक्टर्स इंक्रीजिंग कॉजिंग मेजर चेंजेस इन द प्लासेंटा। मीन कहने का मकसद यह है कि भाई 9th वीक में फीटस की जो है न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ जाती है तो फिर फंक्शन जो है प्लासेंटा का चेंज हो जाता है। मीन मेजर फंक्शन वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये सरफेस एरिया फीटस के लिए बढ़ाता है ताकि फीटल जो है मूवमेंट हो सके, मैटरनल कंपोनेंट को फैसिलिटेट कर सके। फॉर मोस्ट अमंग दीज इज एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल कंपोनेंट, ताकि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही उसमें फैसिलिटेट होगी एक्सचेंज के लिए, कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो ये फीटस है। अब यहाँ पे आप देखो ये नीचे वाली जो जहाँ पे एरो है ये मैटरनल पोर्शन है और ये जहाँ पे ये कोरियान वगैरह ये नज़र आ रहे हैं दीज आर दी फीटल पोर्शन। इट्स मीन दी प्लासेंटा कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, फीटल एंड मैटरनल। फीटल पोर्शन इज कॉल्ड द कोरियानिक फ्रंडोजम वाइल द मैटरनल पोर्शन इज कॉल्ड द डेसिडुआ बेसिलिस। ये पूछते हैं ऑस्टी में। ठीक है, तो ये जहाँ पे विलाय वगैरह नजर आ रहे हैं ये फीटल पोर्शन है जिसको हम कह रहे हैं कि कोरियान फॉर्मेशन है। ठीक, तो ये वही चीज़ बताई गई है कि भाई फीटल पोर्शन का क्या नाम है और मैटरनल पोर्शन का क्या नाम है। फीटल साइड प्लासेंटा इज बॉर्डर्ड बाय कोरियानिक प्लेट वाइल द मैटरनल साइड इज बॉर्डर्ड बाय डेसिडुआ बेसिलिस। ये कोरियानिक प्लेट बन रही है सारी ये और ये जो पूरी प्लेट बन रही है दिस इज द डेसिडुआ बेसिलिस। ये मैटरनल है और ये यहाँ पे ये फीटल है। फिर क्या कह रहा है कि द जंक्शनल जोन ट्रोफोब्लास्ट एंड मैटरनल सेल्स इंटरमिंगल। जंक्शनल जोन कौन सी होगी फिर? यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में दिखाई है, ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये एक जंक्शन बन रहा है मैटरनल और फीटस का उसको हम क्या कहेंगे? जंक्शनल जोन। द इंटरवलस स्पेस बिटवीन द डेसिडुअल प्लेट एंड द कोरियानिक प्लेट डेसिडुअल एंड दिस इज द कॉल्ड द इंटरवलस जिसमें ये विलाय रन कर रहे हैं। ये विलाय है फिर इस तरीके से दूसरा यहाँ पे होगा। दिस इज कॉल्ड द ये जो बाहरी स्पेस है कॉल्ड द इंटरवलस स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ द मैटरनल ब्लड। ये जो ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम से आ रही हैं दीज आर द स्पायरल आर्टरीज और एंडोमेट्रियल आर्टरीज। ठीक है, ड्यूरिंग 4th to 5th month डेसिडुअल सेप्टा प्रोजेक्ट इन टू द इंटरवलस स्पेस बट डू नॉट रीच टू द कोरियानिक प्लेट GPCQA। अब यहाँ पे आप देखो ये मेटरनल टिश्यू है, ये मेटरनल टिश्यू से मटेरियल जा रहा है कनेक्टिव टिश्यू फीटस की लेकिन कोरियानिक प्लेट जो है ये वाली इसको टच नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि एक इंटरवलस स्पेस दूसरी इंटरवलस स्पेस से कम्युनिकेट होगी ताकि ब्लड जो है इक्वली हर एक के पास हर स्पेस के पास इक्वल हो। तो ये इसको हम कहेंगे डेसिडुअल सेप्टा विच कंसिस्ट ऑफ द मैटरनल एंडोमेट्रियल टिश्यू। ठीक है, मैटरनल से आ रहे हैं। अब ये तो ये बाहर से जब प्रोजेक्शन आएगी तो ऐसे बाहर से आता है जिसको हम कहते हैं कॉटिलीडर्स। तो मैटरनल साइड ऑफ द प्लासेंटा कंसिस्ट ऑफ कॉटिलीडर्स वाइल द फीटल साइड कंसिस्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कोरियान। ठीक है, प्लासेंटा इज डिवाइडेड इनटू कॉटिलीडर्स बाय सेप्टा हाउएवर कॉन्टैक्ट बिटवीन देम इज मेंटेन्ड। प्लासेंटा इनलार्ज विद एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एंड मे ऑक्यूपाई 15 to 30% ऑफ यूट्राइन स्पेस।
यूट्रस की तकरीबन इतनी जगह ये ले लेता है ताकि सरफेस एरिया बढ़े और न्यूट्रिशन एक्सचेंज अच्छा हो सके। ठीक है, देखो यहाँ पे तो पूरा, अब यहाँ पे ये यह जहाँ पे विलय हैं, ये तो कोरियान है, यहाँ पे आप देखो विलय इनिशियली होते हैं लेकिन दे आर लिविंग दिस साइड, तो इनको हम कहेंगे, इस साइड को कहेंगे कोरियानिक लीव, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे फीटल, ये दिस इज द एम्ब्रियोनिक पोल, दिस इज द एब एम्ब्रियोनिक पोल, तो ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो एम्ब्रियोनिक पोल पे, तो इसलिए प्लासेंटा वेल डेवलप्ड वहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फीटल साइड है जहाँ पे ये एम्नियन नज़र आ रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज द मैटरनल साइड विच शोइंग द कॉटिलिडन्स, वन कॉटिलिडन, सेकंड है, ये जो बीच में ये लाइन है दिस इंडिकेट द सेप्टा गोइंग टू द कोरियानिक पार्ट ऑफ द फीटस। ठीक है, तो ये पहचान होनी चाहिए कि मैटरनल और फीटल साइड कौन सी, दिस इज द मैटरनल साइड, दिस इज द फीटल साइड, ये जैसे यहाँ पे देखें तो ये फीटल साइड है, ऊपर हम देखें तो वो मैटरनल साइड है। द फुल टर्म प्लासेंटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज डिस्क शेप है, डिस्कॉइड शेप, कैसा है देखिए यहाँ पे डिस्कॉइड शेप होता है, यहाँ पे मैंने अम्ब्रेला शेप आपको शुरू में दिखाया था, ये वाला इट इज डिस्क शेप। अब हीमोकोरियल, एक सवाल आता है कि वाई इट इज कॉल्ड द हीमोकोरियल, हीमो मीन ब्लड एंड कोरियल मीन कोरियान, सो इट इज कॉल्ड द हीमोकोरियल इनटाइप। डायमीटर कितना है 15 to 25 सेंटीमीटर डायमीटर है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर। वेट फुल टर्म प्लासेंटा का कितना है 500 to 600 ग्राम, और डिलीवरी के बेबी के आने के बाद एक्सपल्शन जो होती है, जो बाहर आता है प्लासेंटा, उसकी आफ्टर बर्थ जो टाइम है वो कितनी है, अबाउट 30 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अगर 30 मिनट से के तक नहीं आता तो इसका मतलब है कि प्लासेंटल डिटैचमेंट हमें या तो सीजर करना पड़ता है या फिर कुछ इंजेक्शन लगा के कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर सीजर करके निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स कितने हैं 15 to 20 ऑन मैटरनल साइड, ये बीसी की बात है। कॉटिलिडन्स आर कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ द डेसिडुअल बेजेलस, क्योंकि मैटरनल पोर्शन है तो डेसिडुअल बेजेलस से कवर्ड है। फीटल सरफेस ऑफ प्लासेंटा इज कवर्ड बाय द कोरियानिक प्लेट, कोरियानिक वेसल्स कन्वर्ट टूवर्ड्स द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो मैंने कहा कि एम्नियन और अम्बिलिकल कॉर्ड उसमें नजर आता है। अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज ईसेंट्रिक, ये मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, नॉर्मली ईसेंट्रिक होता है। ठीक है, चेंजेस इन द ट्रोफोब्लास्ट मीन फॉर्मेशन ऑफ द प्लासेंटा, किस किस स्टेप्स में हो रहा है, तो फीटल कंपोनेंट कहाँ से बना, ट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जैसे मैंने कहा था प्राइमरी विलस बन रहा है, सेकेंडरी विलस बन रहा है, टर्शियरी विलस बन रहा है, तो ये, और फिर पूरी जो सीधी लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, कोरियानिक प्लेट, जैसे ये हो गई विलाय वगैरह, ठीक है, ये कोरियानिक प्लेट हो गई। ठीक है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट एक शेल हो गया जो ऊपर साइटोट्रोफोब्लास्ट से जाके बिल्कुल सीधे हो गए थे। ठीक है, मेटरनल कंपोनेंट इज ड्राइव फ्रॉम द यूट्राइन एंडोमेट्रियम बाय द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड मंथ। द ट्रोफोब्लास्ट इज कैरेक्टराइज बाय ग्रेट नंबर ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलाय विच गिव इट अ रेडियल अपीयरेंस। ठीक है, स्टेम एंड एंकरिंग विलाय, मैंने पहले भी बताया था कि मेसोडर्म जो कोरियानिक प्लेट है वो ये वाली कोरियानिक प्लेट, ये जो एक्सटेंड कर रहा है, ये दिस इज द स्टेम विलाय, और ये जो इस तरह ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टेम है तो ये ऊपर सीधा जो जा रहा है ये एंकरिंग विलस है, और ये जो फ्री फ्लोट कर रहा है ब्रांचिंग वाला, ये क्या है, फ्री फ्लोटिंग विलस, ये आगे भी बताऊंगी। ठीक है, द कैपिलरी सिस्टम डेवलप इन द कोर ऑफ द विलस सून कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कैपिलरी ऑफ द कोरियानिक प्लेट एंड द कनेक्टिंग स्टॉक दस गिविंग राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वेस्कुलर सिस्टम। क्योंकि मेसोडर्म की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि उसमें ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल भी बना सकता है, कनेक्टिव टिश्यू बना सकता है, कार्टिलेज बोन वगैरह बना सकता है, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स बनती हैं वो मेसोडर्म, जो इसके अंदर टर्शियरी विलस के अंदर मेसोडर्म होता है उसके अंदर ब्लड वेसल जब डेवलप होती हैं तो वो फिर इस्टेब्लिश करती हैं अपना कॉन्टेक्ट किसके साथ, मैटरनल के डिफ्यूजन के साथ, ताकि ठीक है। फुल टर्म प्लासेंटा के तो दो पार्ट्स हैं, अब ये प्लासेंटा जो दिखा रहे हैं ये फुल टर्म प्लासेंटा ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं है। फर्स्ट डायग्राम में आप देखो प्लासेंटा के जो पार्ट्स हैं जो अभी
फुल टर्म में नहीं है, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ है. क्या है एंड ऑफ सेकेंड मंथ में? आप देखो पार्ट्स कौन से हैं, एक ये दो पार्ट तो वही हैं, ये जो मेटर्नल पोर्शन है ये डेसिडिया बेसिलिस, ये जो कुरान वाला है ये कुरानिक फ्रंडोजम. एक जिसने कैप्सूल बनाया हुआ है फिटस का, इसको कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और एक जो मेटर्नल यूट्रस को लाइन कर रहा है उसको कहते हैं डेसिडुआ पेराइटलिस. देर आर फोर पार्ट्स एट दी एट विच मंथ, सेकेंड मंथ, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ. ठीक है, तो ये तो सेकेंड मंथ के पार्ट हैं. फिर जब ये एमनियोटिक कैविटी इंक्रीज होती है तो ये कोरियानिक कैविटी ऑब्लिट्रेट हो जाती है. तो कौन आपस में फ्यूज होगा? डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड पेराइटलिस. और कौन सी कैविटी खत्म हो जाएगी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी और आल्सो कॉल्ड दी कोरियानिक कैविटी. तो ये जब फ्यूज हो जाएंगे तो ये एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको हम कहते हैं एमनियोएक्टोडर्मल मेम्ब्रेन. जब बेबी बर्थ लगती है तो दिस इज ए वाटर बैग बल्ज करता है, जो रप्चर होगा तो पहले यहाँ का एमनियोटिक फ्लूड आएगा, उसके बाद बेबी एक्सपल्शन होगी. दिस इज द सर्विक्स, नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस. ठीक है, तो ये वो पार्ट्स बताए गए कि स्ट्रक्चर्स ऑफ डेसिडुआ ग्रेविड एंडोमेट्रियम, इसके डेसिडुआ बेसिलिस क्या है, कैप्सुलरिस क्या है, पेराइटलिस क्या है. ठीक है, ये आना चाहिए. एमनियो एक्टोडर्मल और एमनियो कोरियानिक मेम्ब्रेन क्या होता है, विच रप्चर्स ड्यूरिंग द लेबर. यहाँ पे आप बैरियर देखो, दिस इज द फॉल्स बैरियर, दिस इज द ट्रू बैरियर. देखो ये टर्शियरी विलस है जिसमें अंदर ये ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम है, ब्लड वेसल है, और ये मेसोडर्म है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये डार्क ग्रीन जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट. तो फोर लेयर हो गई बैरियर फॉर्म बाय दी. इससे गैसेज एक्सचेंज नहीं हो सकती जब तक इस ब्लड वेसल की एंडो थीलियम जो है सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगी. तो थिन लेयर होनी चाहिए ना डिफ्यूजन के लिए, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि मेटर्नल और फीटल ब्लड आपस में एक्सचेंज नहीं होता. ऑक्सीजन मेटर्नल से आती है और बेबी से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी. तो ट्रू बैरियर कंसिस्ट ऑफ सिंसाइटियम एंड द एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल. ठीक है, अच्छा. यूजली पोजिशन ऑफ द प्लासेंटा नॉर्मली फंडस में होना चाहिए या एंटीरियर वाल में होना चाहिए या पोस्टीरियर वाल में होना चाहिए. और अगर लोअर पार्ट ऑफ द यूट्राइन सेगमेंट में हुआ तो मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू के लेक्चर्स में, इट इज कॉल्ड द प्लासेंटा प्रीविया.